हाय हेलो फ्रेंड, दोस्तों गुड मॉर्निंग। तो मैं हूँ आपका फ्रेंड एमएल परमार, स्वागत करता हूँ यूट्यूब चैनल मैथ्सटिक बाय परमार सर पर। तो दोस्तों आज का अपना टॉपिक है योगा। ए दोस्तों, इस पर एसएससी एमपीपीएससी की वीडियो बने रहते हैं, वहाँ भी वो भी आप देख सकते हैं। तो योगा कर लेते हैं, सुबह के बजे हैं दोस्तों 7, है ना। तो सबसे पहले योगा शरीर को स्वस्थ रखने के लिए करना चाहिए, जिससे अपना शरीर स्वस्थ, अच्छा हो, मुलायम हो, अपन अच्छे चल फिर सकें, अपने घुटनों में दर्द नहीं हो, है ना, कंधों में दर्द नहीं हो, है ना, कब्ज की बीमारी नहीं हो, ज़्यादा बोझ नहीं हो, अपना मोटावा, पेट इतना भारी नहीं हो, अपने हाथ इतने भारी नहीं हो, है ना, ये सब अच्छे रहे, इसलिए अपन योगा करते हैं सुरक्षित रहने के लिए। जैसे अपना हाथ पतले हो, आराम से अपन कुछ भी काम कर सकते हैं, है ना, या जैसे अपने घुटनों में कोई दर्द नहीं हो तो अपन चल फिर सकते हैं आराम से। तो ये घुटनों में दर्द क्यों होता है, इसके यहाँ पे जो जॉइंट है, ये जो ब्लड का सर्कुलर है, ये जाम हो जाता है, इसको खोलने के लिए अपनी योगा करते हैं, बस और कुछ नहीं। तो ये दोस्तों शुरुआत करते हैं, सबसे पहले वार्म अप कर लेते हैं। सर सबसे पहले वार्म अप अपने हाथों के, जो जब आप हाथों को ऐसे चलाएंगे ना, तो इसे चलाने से इनका जो जॉइंट है, ये जो ब्लड है सर्कुलर, ये अच्छा चलने लगेगा। जब ये अच्छा चलेगा तो अपन बीमार नहीं होंगे, कहते ना कि एक तरफ का वो हो गया, क्या बोलते उसको, पैरालिसिस हो गया। बहुत सारे लोगों को होता है हाथ पैरालिसिस, क्यों आता है वो, इसीलिए कि इसका ब्लड रुक जाता है। जब ब्लड रुक गया तो इधर ब्लड ही नहीं मिल रहा, तो हाथ तो हो गया टेढ़ा, ब्लड मिलेगा तो टेढ़ा नहीं होगा, है ना। ऐसे चलने दो अपने हाथ को, फिर क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज चलने दो ऐसे, फिर इसको ऐसे ही, ताकि कंधों का जोड़, कंधों का जो दर्द है ना, ये अच्छा हो जाए। तो इस कंधे को दर्द करने सही करने के लिए अपनों को ऐसे यूं ऐसे 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 तो ऐसे इस तरह का हाथ हो, ऐसे चलाओ। जब अपने हाथ ऐसे चलेंगे ना, तो कंधों का दर्द बिल्कुल दूर हो जाएगा, ऐसे स्वस्थ। हाथ को ऐसे करिए, ऐसे चलाइए, तो जॉइंट यहाँ पे जो इसके, ये जो जॉइंट है, ये सारा जॉइंट खुल जाएगा। जब ये जॉइंट अच्छा रहेगा तो अपना ब्लड सर्कुलर बहुत बढ़िया चलेगा। फिर ऐसे ऐसे फिर ऐसे इस तरीके से चलो। सो इसके बाद अपन आते हैं कमर दर्द पे। ये तो अपना कंधे का दर्द, सब दर्द दूर हो गया, है ना, इसे काम करने से। लेकिन अब आते हैं अपन, दो पेट की सफाई कैसे होती है, मतलब पेट सुरक्षित कैसे होता है, अनुलोम विलोम करने से। क्यों, पेट के अंदर जो गैस भरी होती है, उस गैस कैसे निकलती है, मतलब ऐसे अनुलोम विलोम करने से। पेट कब्ज की बीमारी, गैस की बीमारी, पेट दर्द, ये सब, है ना, ऐसे दो पहले सांस खींचो, ऐसे इस एक नाक से बंद करें, दूसरे नाक से खींचे ऐसे ऐसे चढ़े, फिर एक साथ बंद करें, इसे चलो एक और कपाल भारती के सरते हो, सांस भरना और छोड़ना, ये तो हो गया दोस्तों अपना कपाल भारती। तो आइए दोस्तों अब और अपनी योगा कर लेते हैं, अपने पाँव को इतने दूर रखिए, इतनी दूर, है ना। और सबसे पहले तो अपने कमर का दर्द है, घुटनों का दर्द, पाँव का दर्द, ये सब दर्द दूर हो जाएगा, है ना। इस दर्द को दूर करने के लिए अपने एक हाथ को इधर इधर लगाएं और इस हाथ को इधर लगाएं। जब अपना हाथ इधर जाएगा ना,
तो अपने यहाँ जो है ये सारा जो फैट चल रहा है सब दूर हो जाएगा, मसल्स में टूट जाएगा और फैट शून्य जीरो हो जाएगा। क्या हो जाएगा? जीरो। और पतले हो जाएंगे, अपने लचीले हो जाएंगे। देखो ये साथ ऐसे ऐसे इतनी दूर अपना हाथ जाना चाहिए, तो ऐसे ऐसे फिर पाँव कैसे वाले, और दोनों जो पाँव दिख रहे हैं अपनों को घूटे इसमें भी दिख रहे हो ये वाले, तो इस अपने जो हाथ है इसे बांधे और इस अंगूठे से बाहर तक जाने चाहिए, अंगूठे से बाहर तक जाने चाहिए। तो कमर यहाँ से इधर तक झुकेगी, लचीली होगी, मुलायम होगी, मस्त होगी। देखिए यहाँ से देखो, ये बिना पैसे की दवाई है, पैसे भी चाहिए इसके लिए। ऐसे ऐसे रोज जितना हो सके यथाशक्ति ऐसे, फिर क्लॉकवाइज कर ले, अब एंटी क्लॉकवाइज ऐसे ऐसे। तो बहुत सारे जने हाथ यहाँ पकड़ के अपने यहाँ पे ऐसे हाथ पकड़ के ऐसे करके झुक जाते हैं और अपनी ड्यूटी यहाँ लगा लेते हैं। वो क्रिया वो दूर होगी बाद में, क्योंकि अभी मेरे भी नहीं लग रही है, बस इतने से नीचे ये नहीं आ रहा है, नाक इतने नीचे नहीं आ रहा है। लेकिन अपन रोज प्रयास करेंगे, डेली प्रयास करेंगे, तो एक महीने भर के अंदर अपना नाक यहाँ से यहाँ लग जाएगा, गारंटी ऐसे। क्योंकि कमर भी यहाँ से इतनी टेढ़ी है, इतनी कड़क हो रही है कि मुलायम नहीं हो रही है ना। और लचीलापन भर करने के लिए, अपने कमर को लचीलापन करने के लिए बहुत प्रयास करना है, नहीं हो रहा है ना। जिसका लग जाए यहाँ से यहाँ तक लगी, यहाँ जो नाक है ना यहाँ तक लगी है, ऐसे ऐसे चलो। अब कर लेते हैं पेट के बल लेते वाले आसन। देखो अपने पैर को ऐसे चला ऐसे ऐसे ऊंचे तक चला, इसको ऊंचे तक सीधा ये तो अपना कर सकते बड़े आराम से ऐसे। ऐसे चलने दो, चलने दो, चलने दो, ऐसे चलने दो, बहुत देर तक चलने दो इसको ऐसे। तो इससे करने से क्या होगा कि जो घुटने का दर्द, कमर का दर्द है, सारा दर्द दूर हो जाए, दूर हो जाए ऐसे। और अब चलना चाहो एक पैर से चला, देखो एक पैर से, एक पैर को चलाओ, एक पैर को ऐसे ऐसे, फिर दूसरे पैर को चलाओ ऐसे, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज चलाओ इसको ऐसे ऐसे देखो। अपने पैर को एक पैर को ऐसे ले जाओ ऐसे, तो इसे ले जाएंगे यहाँ, इसको थोड़ा जोर पड़ेगा और ये मसल्स कम कम होगी, यहाँ फैट कम होगा आपका, ऐसे ले जाओ
फिर दूसरी तरफ ऐसे ले जाओ, ऐसे ऐसे ऐसे, फिर अपने दोनों पैर इनको एक साथ मिला लो और नीचे से लाओ पहले, दोनों एक साथ ले जाओ, दोनों करके एक साथ ऊपर लाओ, ऐसे 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 ऐसे, एक साथ नीचे से ले जाओ ऊपर, ऐसे ऐसे ऐसे, फिर अब ऊपर से नीचे लाएंगे इनको, ऊपर से नीचे लाएंगे, देखो ऐसे ऊपर से ऐसे ऐसे ऐसे, जितना हो सके उतना यथाशक्ति, देखिए अब अपन करेंगे, देखो ऐसे दोनों पैर पहुंचा कर ऐसे ही, और हाथ को ऐसे रखो और ऐसे होल्ड करके 40 सेकंड 20 सेकंड रखिए, रखेंगे ऐसे रखिए पाँव को, तो ऐसे करने से यहाँ बल पड़ेगा इस जगह पे, और इस जगह से बल पड़ने से ये फसली इसकी जो फैट कम हो जाएगा आपका, सुस्त अब एक पैर को ऐसे ही देखो, एक पैर को ऐसे लेना और ये टुड्डी लगाना है, तो एक पैर को ऐसे 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 ऐसे, अब दोनों पैर को ऐसे ऐसे करके अपने ठुड्डी को यहाँ लगाना है, ऐसे ऐसे ये तो दोस्तों लेट करने आसन, लेटने वाले आसन, देखिए अब कुछ आसन और कर लेते हैं, तो ऐसे लेट जाओ, ऐसे चलो ऐसे भुजंगासन,
अब एक आसन वो बताऊं जो पूरे पेट की चर्बी कम कर देगा आपकी, जिसमें 20 सेकंड आपको होल्ड कर करना पड़ेगा। अगर एक मिनट तक रुके तब तो पूरी 10 किलो वजन कम। देखो वाशरूम कौन सा ऐसे ऐसे होल्ड कर कर रखो। अपने हाथ में ऐसे 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 अपने जो पैर है इधर वाले पैर में ऐसे ऐसे ऐसा चलो ऐसे फिर ऐसे 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 नाथ को ऐसे 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 यूं ले जाओ ऐसे 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 भी कर सकते हैं। तितली तो उड़ाना भूल गए। जरा फिर कैसे करो ऐसे उड़ाओ तितली, दोनों हाथ पैरों चलाओ और पांव के पास फुलाओ ऐसे ऐसे अपनी टूटियाँ लगानी है अंगूठे को ऐसे ऐसे। तो थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। घर पे रहिए, योगा करते रहिए, सुरक्षित रहिए। थैंक यू दोस्तों।